हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सॉल। इस लेक्चर में हम डबली रीइंफोर्स्ड बीम की डिज़ाइन डिस्कस करेंगे लिमिट स्टेट मेथड से। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और डेली वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ डबली रीइंफोर्स्ड बीम। आपने अभी लिमिट स्टेट मेथड में सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम की डिज़ाइन पढ़ ली है। अब आता है लिमिट स्टेट मेथड से आपको डबली रीइंफोर्स्ड बीम की डिज़ाइन करनी है। तो सबसे पहले डबली रीइंफोर्स्ड बीम की रिक्वायरमेंट कब पड़ी? व्हेन साइज ऑफ बीम इज रेस्ट्रिक्टेड। आपने साइज क्या किया बीम का, वो फिक्स कर दिया, ठीक है। विड्थ ऑफ बीम और डेप्थ ऑफ बीम जो है दोनों आपने फिक्स कर दी। एंड द बीम हैज़ टू रजिस्ट हायर बेंडिंग मोमेंट, और बीम को जो है ज़्यादा बेंडिंग मोमेंट रजिस्ट कराना है देन मोमेंट ऑफ रजिस्टेंस ऑफ सिंगली रीइंफोर्स्ड लिमिटिंग सेक्शन। जो आपने लिमिटिंग सेक्शन में सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम का जो मोमेंट ऑफ रजिस्टेंस निकल रहा था उससे ज़्यादा बेंडिंग मोमेंट आपको इस बीम में रजिस्ट कराना है, बट साइज़ को आप चेंज नहीं कर सकते, साइज़ उतना ही रखना है। तो आपको देन वी नीड अ डबली रीइंफोर्स सेक्शन, तब आपको डबली रीइंफोर्स सेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। ओवर रीइंफोर्स सेक्शन कभी भी लिमिट स्टेट मेथड में परमिट नहीं होता। आप लिमिट स्टेट मेथड में ओवर रीइंफोर्स सेक्शन नहीं बना सकते, आपको डबली रीइंफोर्स बीम ही बनानी पड़ेगी, क्लियर है। तो केवल एक ही ऑप्शन है इस केस में कि आपको डिज़ाइन करनी है डबली रीइंफोर्स बीम। अब बात करते हैं कि कुछ परमिसिबल स्ट्रेसेस हैं डबली रीइंफोर्स बीम को कैलकुलेट करने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए। जैसे कि कंक्रीट में जो स्ट्रेस आती है टॉप फाइबर में, आपको पता है 0.45 FCK होती है, और जो टेंशन स्टील में जो स्ट्रेस आती है वो 0.87 FY होती है, बट जो कंप्रेशन स्टील में जो स्ट्रेस आती है उसको कहते हैं FSC, ठीक है, स्ट्रेस इन कंप्रेशन स्टील। तो अबव वैल्यू ऑफ स्ट्रेस इज रेड फ्रॉम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ टाइप ऑफ स्टील यूज्ड, यानी कि FSC की जो वैल्यू है वो एक IS कोड ने टेबल दे दी है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, तो उसके थ्रू आप जो है इस वैल्यू को पढ़ सकते हैं, इस वैल्यू का यूज़ कर सकते हैं। एज पर द वैल्यू ऑफ स्ट्रेन एट द लोकेशन ऑफ कंप्रेशन स्टील, तो यानी कि कंप्रेशन स्टील की लोकेशन पे जो स्ट्रेन मिल रही होगी उसी के करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस होगी वो FSC होगी जिसको आप यूज़ करेंगे। तो स्ट्रेस स्ट्रेन टेबल आपकी ये है। तो अगर आप बात करते हैं Fe 250 की, तो Fe 250 के लिए जो FSC की वैल्यू होती है वो डायरेक्टली 0.87 टाइम्स ऑफ FY ही रहती है, ठीक है, एग्जैक्ट इतनी रहेगी। तो अगर आप यहाँ पे 0.87 FY की वैल्यू 250 रख देते हैं तो आपको जो FSC की वैल्यू है वो मिल जाएगी 217.50। तो 250 के लिए तो सेम रहती है, क्योंकि जब आप स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखते हैं FSC के लिए तो कुछ इस टाइप का आता है, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या है आपकी FY, जो कि कितनी है 250, तो इसकी जब आप 0.87 टाइम्स लेते हैं तो 0.87 ये हो जाएगा, यानी 0.87 FY। तो जनरली ये जो कर्व आता है ये आपका थोड़ा सा इस टाइप का रहता है और ये स्ट्रेट रहता है, यानी कि अगर आप किसी भी स्ट्रेन पे बात करें, ठीक है, तो आप देखेंगे कि FSC की वैल्यू आपको इक्वल ही मिलेगी, क्योंकि ये कर्व थोड़ा स्ट्रेट रहता है। लेकिन अगर आप Fe 415 या Fe 500 कर्व की बात करते हैं तो आपको कर्व थोड़ा सा इस टाइप में मिलता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिलेगा। तो ये वैल्यू अगर आपकी FY है, यानी 415 हो गई सपोज, तो अगर आप इसकी 0.87 FY देखते हैं तो कुछ इस टाइप से आपको कर्व मिलता रहेगा, ठीक है, ये कर्व मिलेगा। ये सपोज ये वैल्यू है आपकी 0.87 FY की, तो अगर आप इस स्ट्रेन पे देखें तो आप देखेंगे कि आपको इस स्ट्रेन पे FSC की वैल्यू ये मिल रही होगी, इस स्ट्रेन पे देखेंगे तो थोड़ी ज़्यादा मिल रही होगी, यानी कि जो भी कर्व्स Fe 415 या Fe 500 है उनके लिए FSC की वैल्यू चेंज होती रहती है, बट Fe 250 के लिए FSC की वैल्यू लगभग इक्वल रहती है। इसीलिए आप FSC की अगर 250 ग्रेड है तो डायरेक्टली 0.87 FY यूज़ कर सकते हैं, बट वही अगर Fe 415 की कॉन्क्रीट है या Fe 500 की कॉन्क्रीट है तो इस टेबल की हेल्प से जो है आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सपोज अगर Fe 415 के लिए टेबल में स्ट्रेन की वैल्यू ये है तो आप डायरेक्टली FSC की वैल्यू ये यूज़ करेंगे, ठीक है। वही अगर 0.195 है तो आप 369.6 यूज़ करेंगे। 0.226 है, ये आपका ग्रेड जो है Fe 500 के लिए है,
और ये जो है आपकी ग्रेड FE415 के लिए, ठीक है, ये FE415 के लिए टेबल है और ये आपकी FE500 के लिए। फिर इस टाइप से जो जो स्ट्रेन मिल रही है उनके हिसाब से आपकी स्ट्रेस की वैल्यू भी इंक्रीज होती जा रही है। वही सेम FE415 के लिए अगर आपकी स्ट्रेन 0.00144 है तो 288.7 स्ट्रेस यूज करेंगे। तो उसके लिए आप ये देख रहे हैं कि ये जो स्ट्रेन है Epsilon SC, उसी के करेस्पॉन्डिंग आप FSC की वैल्यू निकाल रहे हैं, लेकिन आपको Epsilon SC यानी स्ट्रेन की वैल्यू भी तो पता होनी चाहिए। जब आपको ये वैल्यू पता होगी तभी आप FSC की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे। तो Epsilon SC की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करते हैं, सबसे पहले अगर आप बीम देखें डबली रीइंफोर्स्ड बीम, तो आपको पता है कि सपोज ये क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, यहाँ पे आपको पता है ये टेंशन साइड में स्टील प्रोवाइड कर रहे हैं ASC, ये आपकी न्यूट्रल एक्सिस है और यहाँ पे जो है आप कंप्रेशन स्टील में प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा ASC यानी एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन साइड। तो सपोज ये वैल्यू जो है टॉप से आपकी XU है, ठीक है, तो आप इसके लिए अगर आपको Epsilon SC की वैल्यू चाहिए, तो अगर आप स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखें तो स्ट्रेन डायग्राम अगर आप देखते हैं तो लीनियर रहता है स्ट्रेन डायग्राम, तो कुछ स्ट्रेन डायग्राम ये रहेगा और आपको पता है यहाँ पे स्ट्रेन क्या रहती है टॉप फाइबर पे 0.0035 और यहाँ पे कितनी होती है 0.002 प्लस 0.87 FY/ES, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि जो ये यहाँ पे ये आ रहा है यानी ये जो कंप्रेशन स्टील आ रही है इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर स्ट्रेन आपको कितनी मिलेगी। तो ये स्ट्रेन आपने मान ली Epsilon SC यानी कि टेंशन कंप्रेशन स्टील के करस्पॉन्डिंग जो आपको स्ट्रेन मिल रही है वही आपको कैलकुलेट करनी है। अगर वो पता है तो डायरेक्टली आप टेबल की हेल्प से FSC की वैल्यू निकाल सकते हैं। वही अगर आप कर्व देखें तो आपको पता है कि यहाँ पे तो ये 0.87 FY आपको स्ट्रेस मिलती है करस्पॉन्डिंग टू ASD, और वही अगर आप यहाँ पे देखें तो कुछ इस टाइप का आता है कर्व, ठीक है, ये पैराबोलिक रहता है। यहाँ पे सपोज ये 0.002 के लेवल हो गया तो आपको इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर जो स्ट्रेस मिल रही होगी वो स्ट्रेस आपने सपोज मान ली क्या हो गई आपकी FSC, ठीक है, और इसी के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर अब आपको पता है कि ये टोटल जो है ये पैराबोला है तो इसका ओवरऑल FSC यानी इस स्टील को छोड़ के इसका जो कम्बाइंड आपको फोर्स मिलता था सपोज CR मिलता था, जिसको अब आपने मान लिया C1, जिसकी वैल्यू क्या होती थी 0.36 FCKB×XU, और इसके करस्पॉन्डिंग जो फोर्स मिलेगा वो आपने C2 मान लिया, ठीक है। तो C2 की वैल्यू क्या होगी आपको पता है FSC यानी स्ट्रेस इन स्टील इंटू एरिया ऑफ स्टील, तो इस FSC इंटू ASC इसके करस्पॉन्डिंग जो एरिया होगा, और यहाँ पे आपको स्ट्रेस पता है कितनी होती है 0.45 टाइम्स ऑफ FCK। तो आपको सिंपली क्या निकालना है Epsilon SC की वैल्यू चाहिए। अगर आपको Epsilon SC की वैल्यू मिल गई तो आप टेबल की हेल्प से FSC की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो Epsilon SC की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप देख सकते हैं कि ये XC हो गया और ये जो कंप्रेशन स्टील प्रोवाइड करते हैं इसकी वैल्यू सपोज ये डेप्थ जो है DC है यानी DC डेप्थ पर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप सिमिलर ट्रायंगल लगा सकते हैं इन दोनों में। तो आपको पता है XCU अगर डेप्थ है तो आपको स्ट्रेन कितनी मिल रही है 0.0035 यानी XCU पे आपको स्ट्रेन मिलती है 0.0035। तो अगर आपकी डेप्थ XCU-DC है यानी सिर्फ इतनी डेप्थ है तो आपको स्ट्रेन कितनी मिलेगी Epsilon SC। तो Epsilon SC की वैल्यू यहाँ से आप निकाल सकते हैं क्या आ जाएगी 0.035×XCU-DC/XCU, ठीक है, ये मल्टीप्लाई का साइन है। तो यहाँ से आप Epsilon SC की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, Epsilon SC मिल जाएगा तो डायरेक्टली आप टेबल की हेल्प से FSC की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ एनालिसिस करते हैं इसमें। तो सबसे पहले XU लिमिटिंग यानी लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जो है आपको फाइंड करनी है, तो ये वैल्यू हमेशा सेम रहती है चाहे सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम हो चाहे डबली रीइंफोर्स्ड बीम हो। आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है 700/1100 प्लस 0.87 FY×D। तो वही अगर आपकी कॉन्क्रीट जो है इसकी वैल्यू 0.53D होगी, अगर आपकी स्टील FE250 है और इसकी वैल्यू 0.48D होगी, अगर आपकी स्टील जो है FE415 ग्रेड की है, और अगर आपकी स्टील FE500 ग्रेड की है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है
0.46D. तो ये वैल्यू कांस्टेंट रहती है चाहे आप सिंगली रीइंफोर्स बीम की डिजाइन करिए चाहे डबली रीइंफोर्स बीम की डिजाइन करिए, ठीक है। अब आपको कैलकुलेट करना है एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस यानी XU। तो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फाइंड करना है, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। तो आपने अभी सिंगली रीइंफोर्स बीम में क्या किया था, जो भी कंप्रेशन फोर्स था उसको टेंशन फोर्स के इक्वल कर दिया था। तो आपको पता है कि अगर आपकी बीम जो है ये है, ठीक है, और ये आपकी न्यूट्रल एक्सिस है, और न्यूट्रल एक्सिस में अगर आप स्ट्रेस डायग्राम देखें तो आपको पता है ये AST है, तो इससे करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस होगी वो कितनी होती है 0.87 टाइम्स ऑफ FY, और यहाँ पे कुछ इस टाइप का कर्व बनता है। और आपको पता है यहाँ पे आप क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, ASC, यानी कि टोटल जो सिर्फ पैराबोले की जो स्ट्रेस आ रही थी वो कितनी थी 0.36 FCK इंटू बी इंटू XU, अगर ये डेप्थ जो है आपकी XU है, ठीक है, और इसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस आ रही होगी यहाँ पे वो क्या है FSC। तो यहाँ इसकी इसी लेवल पे जो फोर्स आ रहा होगा, क्योंकि इसी लेवल पे आएगा, स्टील की जो लोकेशन है कंप्रेशन की वो सिर्फ इसी लेवल पे है, जैसे कि AST की लोकेशन यहाँ पर है, तो जो फोर्स आ रहा होगा वो टोटल यहीं पे आ रहा होगा। तो ये जो फोर्स आ रहा होगा C2, आपको पता है C1 के लिए जो लीवर आर्म की वैल्यू होती है वो D-0.42 ऑफ XC होती है, लेकिन उससे आपको मतलब नहीं, आपको सिर्फ फोर्स देखना है। तो C1 कितना है 0.36 FCK B into XU, और इसी लेवल पे जो फोर्स आता है T टेंशन फोर्स, उसकी वैल्यू क्या होती है 0.87 FY यानी स्ट्रेस इंटू एरिया ऑफ स्टील, एरिया ऑफ स्टील क्या होता है AST, ठीक है। तो ये आपका फोर्स हो गया। अब C2 की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, तो C2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपको पता है FSC इंटू ASC, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालना है, तो दोनों फोर्सेस को कंप्रेशन फोर्स को टेंशन फोर्स से अगर आप इक्वल कर देंगे तो आपको एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस मिल जाएगी। तो आपको पता है कि कंप्रेशन फोर्स कितना है 0.36 FCK B into XU, तो ये आप तब यूज़ कर रहे हैं जब पूरा एरिया जो है बी इंटू XU का आपने कंक्रीट के लिए यूज़ किया है, लेकिन आपको पता है कि सिर्फ इतना एरिया जो स्टील जहाँ पर प्रोवाइड कर दी वो एरिया आपने जो है कंक्रीट में अब यूज़ नहीं किया, उस एरिया में सिर्फ क्या प्रोवाइड कर दिया स्टील। तो आपको पता है ये एरिया आपको माइनस करना पड़ेगा, ये एरिया कितना होगा, यानी ये जो टोटल फोर्स होगा कितना होगा स्ट्रेस इंटू एरिया। तो इस लेवल पे जो कंक्रीट की स्ट्रेस थी वो कितनी थी 0.45 FCK, तो आपको पता है 0.45 FCK स्ट्रेस इंटू एरिया ऑफ स्टील, जो ये स्टील जो है इसके बराबर एरिया की कंक्रीट आपने हटा दी, तो आपको इसको माइनस करना पड़ जाएगा, प्लस C2 की वैल्यू कितनी है FSC इंटू ASC, ठीक है, विच इज इक्वल टू T यानी टोटल टेंशन फोर्स कितना होता है 0.87 FY इंटू ASD। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप XU की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको पता है 0.36 FCK B इंटू XU प्लस, अब आप यहाँ पे ASC कैलकुलेट कर सकते हैं, तो डायरेक्टली क्या आ जाएगा FSC माइनस 0.45 FCK इंटू ASC, ASC आपने कॉमन ले लिया, तो आप जहाँ भी यूज़ करेंगे आप यही वैल्यूज़ यूज़ करेंगे, ठीक है। आपने क्या किया, डायरेक्टली ये वैल्यू को यूज़ कर लिया और इसको मान लिया पूरी कंक्रीट का एरिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.87 FY इंटू ASD। तो ये फॉर्मूला आपका आ जाता है एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फाइंड करने का, क्लियर है। तो इसकी हेल्प से जो है आप एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फाइंड कर सकते हैं। अब बात आती है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की, तो आपको पता है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे कैसे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। दो पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब है कि पहला पार्ट आपने क्या किया, सिंगली रीइंफोर्स बीम को डिज़ाइन कर दिया। तो जब भी आप ये डिज़ाइन करते हैं तो ये फॉर अ लिमिटिंग सेक्शन के लिए डिज़ाइन करते हैं, जैसे कि आपने वर्किंग स्ट्रेस मेथड में भी बैलेंस सेक्शन के लिए डिज़ाइन किया था, तो यहाँ पे भी आप लिमिटिंग सेक्शन के लिए डिज़ाइन करेंगे। तो ये डेप्थ XU किसके इक्वल हो जाएगी, XU लिमिटिंग के, ठीक है। तो अगर आप इसको डिज़ाइन करते हैं और सिंपली यहाँ पे स्टील जो प्रोवाइड करते हैं उसको मान लिया AST1, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखें इसका स्ट्रेस डायग्राम, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये स्ट्रेस 0.87 ऑफ FY, और यहाँ पे स्ट्रेस क्या होगी आपकी
कुछ ये होगी, यहाँ पे आ जाएगी 0.45 ऑफ एफ सी के। तो ये फोर्स कंबाइंड जो आपने मान लिया सी वन, ठीक है। अब इसके बाद इसके लिए जो निकालेंगे वो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हो जाएगा पार्ट वन का। अब दूसरा आपने पार्ट टू में इसको कन्वर्ट कर दिया, तो पार्ट टू के लिए आप कॉन्क्रीट वगैरह कुछ यूज नहीं करेंगे, सिर्फ स्टील ही यूज करेंगे। तो एक तो स्टील आपने टेंशन साइड में यूज कर दी, जिसको आपने कह दिया ए एस टी टू, ठीक है, ये आपकी न्यूट्रल एक्सिस हो गई। और एक स्टील आपने कंप्रेशन साइड में यूज कर ली, जिसको आपने क्या कहा ए एस सी, ठीक है। तो अगर आप इसका स्ट्रेस डायग्राम देखें तो आपको पता है एक तो यहाँ पर आ रहा होगा, ये कितना होगा 0.87 FY, और एक यहाँ पे आपको स्ट्रेस मिल रही होगी जो क्या होगी, जिसकी वैल्यू होगी एफ एस सी, ठीक है। तो यहाँ इसी लेवल पे जो फोर्स मिल रहा होगा वो फोर्स क्या होगा सी टू, और इस लेवल पे जो फोर्स मिल रहा होगा यहाँ पे टी टू फोर्स होगा, और इस लेवल पे जो टेंशन में फोर्स मिल रहा होगा वो क्या होगा टी वन। तो आपको इसको जो है सॉल्व करना है, कैलकुलेट करना है। तो जो टोटल मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होगा, जिसको एम यू से डिनोट करते हैं लिमिट स्टेट मेथड में, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा एम यू वन के प्लस एम यू टू के, ठीक है। अब आपको एम यू वन कैलकुलेट करना है, तो आपको पता है फॉर पार्ट वन, यानी आपने पार्ट वन में देखा कि आपको जो सी वन फोर्स है उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू आपको डायरेक्टली पता है 0.36 एफ सी के बी इंटू, अब यहाँ पे एक्स यू की जगह क्या होगा एक्स यू लिमिटिंग। और इसके लिए जो लीवर आर्म की वैल्यू होती है वो आपको पता है क्या होती है डी माइनस वाई वन बार, और ये वाई वन की वैल्यू आपको पता है 0.42 ऑफ एक्स यू, यानी सी वन की वैल्यू ये हो गई, और लीवर आर्म वन की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी आपकी डी माइनस 0.42 ऑफ एक्स यू लिमिटिंग, ठीक है। सिमिलरली अगर आप टेंशन साइड में देखें तो टेंशन साइड का जो फॉर्मूला टी वन की वैल्यू क्या होगी 0.87 एफ वाई इंटू ए एस टी वन, और लीवर आर्म वन की वैल्यू क्या हो जाएगी वही सेम डी माइनस 0.42 ऑफ एक्स यू। तो ये आपका हो गया पार्ट वन का फोर्स और टेंशन फोर्स और लीवर आर्म की डिस्टेंस। वही अगर आप सेम निकालते हैं यहाँ पे एम यू वन की वैल्यू, तो एम यू वन की वैल्यू क्या होगी सी वन इंटू लीवर आर्म वन, या आप क्या लिख सकते हैं टी वन इंटू लीवर आर्म वन, ठीक है, ये आपका एम यू वन हो गया। अब आप देखते हैं पार्ट टू, तो अगर आप पार्ट टू में देखें तो फोर्स क्या है सी टू और टी टू, तो सी टू की वैल्यू क्या होगी आपको पता है सी टू स्ट्रेस इंटू एरिया एफ एस सी, बट यहाँ पे आप क्या यूज करेंगे एफ एस सी माइनस ये एरिया माइनस कर देंगे जो कॉन्क्रीट का स्ट्रेस का था इंटू ए एस सी, ठीक है, ये फोर्स हो गया सी टू का। और लीवर आर्म टू की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से ये जो डिस्टेंस होती है कितनी होती है डी सी, तो लीवर आर्म की वैल्यू कितनी हो जाएगी डी माइनस डी सी, ठीक है। तो लीवर आर्म टू क्या हो जाएगा आपका डी माइनस डी सी, और टी टू की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी फोर्स की 0.87 एफ वाई इंटू ए एस टी टू, ठीक है। तो अगर आप एम यू टू मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की बात करें तो क्या हो जाएगा सी टू इंटू लीवर आर्म टू, या आप टेंशन साइड से देखें तो टी टू इंटू लीवर आर्म टू। तो ये आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पार्ट टू का हो गया, ये आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पार्ट वन का हो गया। अब आपको टोटल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो आपको पता है कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पार्ट वन से जो मिला प्लस मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पार्ट टू, उन दोनों को अगर आप ऐड कर देंगे तो आपको डबली रीइंफोर्स बीम का टोटल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मिल जाएगा। वन की वैल्यू क्या होगी 0.36 कंप्रेशन साइड से अगर आप देखें एफ सी के बी इंटू एक्स यू लिमिटिंग इंटू डी माइनस 0.42 ऑफ एक्स यू लिमिटिंग, ठीक है, प्लस मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पार्ट टू का कंप्रेशन साइड से एफ एस सी माइनस 0.45 ऑफ एफ सी के इंटू ए एस सी इंटू डी माइनस डी सी। तो ये हो गया आपका पार्ट टू मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, या आप टेंशन साइड से भी निकाल सकते हैं। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो टी वन का फोर्स आ रहा था वो क्या था, तो आपको पता है 0.87 एफ वाई इंटू ए एस टी वन इंटू डी माइनस 0.42 ऑफ एक्स यू लिमिटिंग प्लस 0.87 एफ वाई इंटू ए एस टी टू इंटू डी माइनस डी सी। तो ये फाइनली हो जाता है आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ डबली रीइंफोर्स्ड बीम। तो इस टाइप से आप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब तीन केसेस देख लीजिए, थ्री टाइप ऑफ सेक्शंस बनते हैं। तो जो पहला टाइप है सेक्शन का वो है आपका कि व्हेन एक्सयू इज लेस देन एक्सयू लिमिटिंग, यानी एक्सयू की वैल्यू एक्सयू लिमिटिंग से कम है, तो सेक्शन आपका कैसा हो जाएगा अंडर रीइंफोर्स सेक्शन। और अंडर रीइंफोर्स सेक्शन में आप एक्सयू
मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए कौन सी वैल्यू यूज़ करेंगे, एक्सयू की वैल्यू यूज़ करेंगे। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0.36 एफ सी के बी इंटू एक्स यू इंटू डी माइनस 0.42 ऑफ एक्स यू प्लस एफ एस सी माइनस 0.45 ऑफ एफ सी के इंटू ए एस सी इंटू डी माइनस डी सी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक्सयू लिमिटिंग नहीं यूज करके आप क्या यूज करेंगे, एक्सयू, क्योंकि आपका सेक्शन है अंडर रीइंफोर्स सेक्शन। सेकंड, अगर एक्सयू इक्वल टू एक्सयू लिमिटिंग है, यानी आपका सेक्शन लिमिटिंग केस में आ गया, यानी लिमिटिंग सेक्शन है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस डायरेक्टली कैलकुलेट करेंगे। आप इसको कह सकते हैं एमयू लिमिटिंग। ठीक है, ये लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हो गया, जिसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 0.36 एफ सी के बी इंटू एक्सयू लिमिटिंग इंटू डी माइनस 0.42 ऑफ एक्सयू लिमिटिंग प्लस एफ एस सी माइनस 0.45 ऑफ एफ सी के इंटू ए एस सी इंटू डी माइनस डी सी। तो ये हो गया आपका लिमिटिंग केस का। अब थर्ड केस अगर आता है कि एक्सयू की वैल्यू ग्रेटर देन है एक्सयू लिमिटिंग से, तो ये आपका सेक्शन कैसा होगा, ओवर रीइंफोर्स सेक्शन। तो आपको पता है कि ओवर रीइंफोर्स सेक्शन कभी भी लिमिट स्टेट मेथड में जो है आप डिज़ाइन नहीं करते, आप उसको डबली रीइंफोर्स बीम की तरह डिज़ाइन कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे सिंपली क्या डिज़ाइन कर सकते हैं, एक्सयू की वैल्यू एक्सयू लिमिटिंग पुट कर देते हैं और डायरेक्टली मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो निकालते हैं वो एमयू लिमिटिंग का निकाल देते हैं। इससे ज़्यादा वैल्यू के लिए आप नहीं निकाल सकते, एक्सयू लिमिटिंग ये लिमिटिंग वैल्यू हो गई, लिमिट हो गई, इससे ज़्यादा आप लिमिट नहीं क्रॉस कर सकते। तो फाइनली वैल्यू मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की क्या आ जाएगी, 0.36 एफ सी के बी इंटू एक्सयू लिमिटिंग इंटू डी माइनस 0.42 ऑफ एक्सयू लिमिटिंग प्लस एफ एस सी माइनस 0.45 ऑफ एफ सी के इंटू ए एस सी इंटू डी माइनस डी सी। ठीक है, तो ये जो है फॉर्मूला आप ओवर रीइंफोर्स्ड के केस में भी लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ही कैलकुलेट करेंगे। अब बात करते हैं डिजाइन ऑफ अ डबली रीइंफोर्स्ड बीम, कैसे डिज़ाइन करते हैं, क्या क्या स्टेप्स को अडॉप्ट करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट बेंडिंग मोमेंट। तो इस टाइप से आप सबसे पहले बेंडिंग मोमेंट को कैलकुलेट कर लीजिए, या तो क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए बोला होगा, या अगर डिज़ाइन करना है यानी एएसटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आपको उसके पहले क्या करना होगा, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करिए। फिर सेकेंड स्टेप में लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करिए। लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे सिंगली रीइंफोर्स बीम का क्या होता है, 0.36 एफ सी के बी इंटू एक्स यू लिमिटिंग इंटू डी माइनस 0.42 ऑफ एक्स यू लिमिटिंग। ठीक है, तो ये सिंगली रीइंफोर्स बीम का जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस था, लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, वो आपने कैलकुलेट कर लिया। तो आपने देखा थर्ड स्टेप में कि जो बेंडिंग मोमेंट आपने जो डिज़ाइन करना है, जो रजिस्ट करवाना है, उसकी वैल्यू अगर आपके बेंडिंग मोमेंट यानी ग्रेटर देन है मोमेंट ऑफ एमयू लिमिटिंग से। ठीक है, तो एमयू लिमिटिंग यहाँ पे क्या निकाला है, सिंगली रीइंफोर्स बीम के लिए आपने कैलकुलेट किया, तो इसकी वैल्यू अगर इससे ज़्यादा आ रही है तो आपको क्या करना है, डबली रीइंफोर्स बीम की रिक्वायरमेंट होगी। अब आपको पता चल जाएगा कि अब डबली रीइंफोर्स बीम आपको डिज़ाइन करनी है, डबली रीइंफोर्स बीम इज रिक्वायर्ड। क्लियर है, तो इसके बाद आप क्या करेंगे कि सबसे पहला स्टेप आप करेंगे कि अब डबली रीइंफोर्स बीम डिज़ाइन करनी है, तो आपको पता है दो पार्ट्स में कैलकुलेट करते हैं। पहला पार्ट वन, तो आपको सबसे पहले ए एस टी वन कैलकुलेट करना होगा। उसके लिए आप क्या करेंगे, एम यू वन को, यानी जो बेंडिंग मोमेंट आया है या एम यू लिमिटिंग बोल सकते हैं इसको, इक्वेट कर देंगे 0.87 एफ वाई इंटू ए एस टी वन इंटू डी माइनस 0.42 ऑफ एक्स यू लिमिटिंग। ठीक है, तो आपने फर्स्ट पार्ट में टी वन का जो फॉर्मूला था, यानी कि जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस टेंशन साइड से था, वो देख लिया, उसको एम यू लिमिटिंग के इक्वल कर दिया, जो सिंगली रीइंफोर्स्ड की वैल्यू आ रही थी, यहाँ से आपने ए एस टी वन की वैल्यू निकाल ली और इसको मान लिया एम यू वन। ठीक है, पार्ट वन का जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस था, एम यू वन डिवाइडेड बाई 0.87 एफ बाई इंटू डी माइनस 0.42 ऑफ एक्स यू लिमिटिंग। तो इसकी हेल्प से जो है आपने ए एस टी वन की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि नेक्स्ट स्टेप में आपने आपको देखना है कि रिमेनिंग बेंडिंग मोमेंट कितना बचा, रिमेनिंग बेंडिंग मोमेंट।
तो वो वैल्यू क्या मान लेंगे, एमयू टू, यानी जो बेंडिंग मोमेंट आ रहा था उसमें से अगर आप एमयू वन या एमयू लिमिटिंग की वैल्यू जो है माइनस कर दें तो आपको एमयू टू मिल जाएगा। फिर आपको नेक्स्ट स्टेप में ए एस टी टू यानी सेकेंड पार्ट से जो एरिया ऑफ स्टील था वो कैलकुलेट करना है। तो एमयू टू इक्वल टू क्या होता था फॉर्मूला, 0.87 एफ वाई इंटू ए एस टी टू इंटू डी माइनस डी सी। लीवर आप सेकेंड पार्ट में कितनी थी, डी माइनस डी सी, तो यहाँ से आप ए एस टी टू की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू एम यू टू डिवाइडेड बाई 0.87 एफ वाई इंटू डी माइनस डी सी। तो यहाँ से आपने ए एस टी टू कैलकुलेट कर लिया। अब आपको पता है कि टोटल जो ए एस टी है, टोटल ए एस टी किसके इक्वल हो जाएगा, ए एस टी वन प्लस ए एस टी टू, तो ये आपको टोटल एरिया ऑफ स्टील मिल गया। अब नेक्स्ट पार्ट में आपको ए एस सी कैलकुलेट करना है, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन साइड, यानी कंप्रेशन स्टील जो है फाइंड करनी है। तो आपको पता है कंप्रेशन स्टील फाइंड करने के लिए एम यू टू इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, तो एम यू टू इक्वल टू आप डायरेक्टली टेंशन साइड से यानी एफ एस सी माइनस 0.45 ऑफ एफ सी के इंटू ए एस सी इंटू डी माइनस डी सी, यानी जो सेकेंड पार्ट में कंप्रेशन साइड का जो फॉर्मूला था वहाँ से आप ए एस सी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपने ए एस सी की वैल्यू क्या निकाल ली, ए एस सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम यू टू डिवाइडेड बाई एफ एस सी माइनस 0.45 ऑफ एफ सी के इंटू डी माइनस डी सी। लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले एप्साइलन एस सी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एप्साइलन एस सी का फॉर्मूला क्या है, जब एक्स यू लिमिटिंग में आपने एक्स यू लिमिटिंग माइनस डी सी इंटू 0.0035, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से एप्साइलन एस सी निकाल लीजिए। फिर उसकी हेल्प से जो है टेबल की हेल्प से ए एस सी की वैल्यू आप एफ एस सी की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, और एफ एस सी की वैल्यू जब मिल जाएगी इसमें पुट करके आप क्या निकाल सकते हैं, ए एस सी की वैल्यू। तो ये हो गई कंप्लीट डिज़ाइन आपकी डबली रीइन्फोर्स्ड बीम की।